हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या रेसिपी आज मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हो, ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ये हम लोग बनाते हैं। तो मैं सोच रही थी मैंने ये रेसिपी डाली नहीं है, तो इसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बेसन। तो हमारा बेसन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो मैंने बाद में स्टार्ट किया था, क्योंकि इस तरीके से आपको खाली बेसन में नमक मिला लेना है और इस तरीके के रोल बना लेने हैं। और ये रोल हमने जो हमारा पानी है वो गर्म हो चुका था, तो गर्म पानी में हम इसको इस तरीके से बना बना कर छोड़ते रहेंगे। तो ये देखिए, हल्के से मतलब बेसन को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। इस तरीके से आप इसको अपनी कढ़ाई कर में जो पानी आपका गर्म हो चुका है उस कढ़ाई में इसको डाल दीजिए। और इसके बाद ये हल्के से फूल जाए तो इसको हम अपनी जो कढ़ाई से है बाहर इसको निकाल के हम रख देंगे। और इस तरीके से, क्योंकि एक एक दो दो ही निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम निकालेंगे तो ये मतलब गर्म है ना तो लग भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा ठंडे होने के लिए इसको रख देंगे। ठंडा होने के बाद की जो आपको है वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला हमने साथ साथ रेडी करके रखा हुआ है प्याज को, और आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटर नहीं डाला है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये जो हमारे रोल हैं ठंडे हो चुके हैं, और अब ये देखिए मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया है। आपको इस तरीके से छोटे छोटे रोल्स में इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद का जो प्रोसेस है वो भी बताती हूँ। तो अगर वीडियो पे पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा लाइव वीडियो को। और ये देखिए, इतनी शेप में आप इसको कटिंग करके रख लीजिए। और ये देखिए, मैंने सारे कट करके यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं बना रही हूँ रेसिपी तो आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो ये देखिए, मेरा जो कढ़ाई में ऑयल है, क्योंकि हमें कढ़ाई इसके बाद हमें कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इसको अच्छे से हम थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में जो आपको है थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि सारे एक साथ नहीं डालेंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि ये बॉयल हुए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लेना, और फ्राई करने हल्का सा ये मतलब ब्राउनिश शेड में हो जाए तो इसको आप कढ़ाई में से निकाल के बाहर अपनी थाली में निकाल लीजिए, रख लीजिए। इस तरीके से देखिए, मैंने ब्राउन कर लिया है और इसको अब निकाल के मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी रेसिपी में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल के साइड में रख दिया है, और इसमें अब जो कढ़ाई का तेल है वो हम इसी में रहने देंगे। अगर चाहे तो आप इसको अलग से भी निकाल के दूसरा जो आप ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। सारे फ्राई करने के बाद आप इसमें आवाज़ सुनते ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आवाज़ कट 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 मतलब करा रहे थे ना, तो बहुत अच्छी आवाज़ लग रही थी। तो मैं और वीडियो और नहीं ओरिजिनल आवाज़ में डाल पाई। तो ये देखिए, अब ये मेरा ऑयल मैंने चेंज किया, क्योंकि हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये मैंने रख लिया। और ये जो हमने प्याज का मसाला करके रखा हुआ है इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए, मैरून शेड में हो जाए, ब्राउन शेड में। तो इसको हम अपना फिर हमारी प्याज हो जाएगी। इसी में मैं मसाला भी डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज के साथ थोड़ा थोड़ा मसाले में भी कमी रहती है, तो वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च, और जो भी आपके पास मतलब धनिया वगैरह है जो आप यूज़ करते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैं डालती हूँ वो मैंने अपने हिसाब से डाला है। तो आप लोग अपने हिसाब से जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और इसके बराबर में जो हमारा बॉईल किया हुआ पानी था वो भी आपने फेंकना नहीं है, उस पानी को भी आप अपने साथ रखेंगे। और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसमें इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर दीजिए मिक्स, और जो मिक्स करनी है वो मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो मसाला थोड़ा पक जाए। और ये जो हमारा बॉईल रखा हुआ पानी है इसको हम थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से उठाकर उसी में डाल देंगे, क्योंकि इस पानी को हमने फेंकना नहीं होता। इस तरीके से डालेंगे और बनाएंगे रेसिपी, तो डेफिनेटली आपको ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आएगी, और इसका टेस्ट आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। एक बार ट्राई ज़रूर करना, और वीडियो लाइक लगे तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और वीडियो को अगर रेसिपी को अगर देख और अच्छी बनाऊँ मैं रेसिपी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी रेसिपी बनाती रहूँ। तो अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो अब इसको हमारा देखिए पक चुका है। तो अब थोड़ा सा पकने के बाद ये जो हमारा फ्लेवर है सब्जी का वो ये आया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ और ऐसे ऐसी नई रेसिपी के साथ। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो बाय, फिर मिलते हैं।